क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भला कौन नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही लोगों को उनके 100 शतक याद आते हैं, पर इसी के साथ जब जब सचिन तेंदुलकर का नाम आता है तब एक ऐसे खिलाड़ी का भी नाम आता है जो काबिलियत में सचिन के बराबर ही था, पर फिर भी उनका करियर ज्यादा दिन नहीं चल सका, और वो नाम है विनोद कांबली का। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आपको बता दूं कि सचिन और विनोद एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से ही बहुत खास दोस्त रहे थे। ये दोनों हमेशा एक साथ ही खेलते हुए नजर आते थे। इन दोनों के कोच भी रामाकांत आचरेकर ही थे। पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर सचिन से भी महान माने जाने वाले खिलाड़ी अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब ही हो गए। विनोद कांबली की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुंबई के एक स्कूल टूर्नामेंट में सचिन के साथ खेलते हुए सचिन और कांबली दोनों ने मिलकर 664 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी, जिसमें कांबली ने 349 और सचिन ने 326 रन नॉट आउट बनाए थे। और बहुत कम ही लोग ये बात भी जानते होंगे कि सचिन और कांबली के कोच रामाकांत आचरेकर कांबली को ज्यादा होनहार खिलाड़ी मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी मैच के दौरान विनोद कांबली ने विरोधी बल्लेबाजों के 6 विकेट्स भी झटकाए थे। कांबली ने अपने पहले रणजी ट्रॉफी मैच की शुरुआत भी छक्का मारकर ही करी थी, और इन्होंने केवल 60 टेस्ट मैचेस में ही 2 दोहरे शतक और 2 शतक मारकर अपनी काबिलियत पूरी दुनिया में दिखा दी थी। कांबली ने 21 वर्ष 32 दिन की उम्र में 224 रन की पारी खेली थी, और इसी के साथ वो भारत की ओर से दोहरा शतक मारने वाले सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी भी बन गए थे। यहां तक कि कांबली सबसे तेज 1000 रन मारने वाले टेस्ट बल्लेबाज भी बन गए थे। इन्होंने सिर्फ 14 मैचेस में ही 1000 रन पूरे कर दिए थे। इन सब रिकॉर्ड्स के चलते कांबली की जगह भारतीय टीम में पक्की हो गई थी। वहीं दूसरी ओर उनके सबसे खास दोस्त सचिन तेंदुलकर ने भी अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली थी। भारतीय टीम सचिन और कांबली की जोरदार बल्लेबाजी की वजह से पूरी दुनिया में अपना डंका बजवा रही थी, और इसी बीच साल 1996 का विश्व कप आया, जहां भारतीय टीम ने उम्मीद अनुसार प्रदर्शन करा, और अपने अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम विश्व कप जीतने वाली सबसे प्रबल दावेदार भी मानी जा रही थी। और इस कप को जीतने में भारतीय टीम बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती, और विश्व कप के सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। पर इसी विश्व कप के सेमीफाइनल में एक ऐसी घटना हुई जिसे भारतीय टीम के लिए काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 252 रन का लक्ष्य रखा, और भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन से ये लक्ष्य बहुत मुश्किल भी नहीं माना जा रहा था। पर महज 34 ओवर्स तक भारतीय टीम के 8 बल्लेबाज सिर्फ 120 रन ही बनाकर वापस लौट चुके थे, और क्रीज पर अब विनोद कांबली और अनिल कुंबले थे। इस मैच के दौरान ही भारतीय समर्थकों का गुस्सा मैदान पर फूटने लगा। उन्होंने मैदान की कुर्सियों में आग लगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अंपायर को मजबूरन मैच को बीच में ही रोकना पड़ा, और अंत में इस मैच में श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। इस मैच के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी और समर्थक बहुत दुखी हुए थे, पर एक खिलाड़ी जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ था वो थे विनोद कांबली। इस मैच से वापस जाते हुए भी विनोद कांबली की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे, और इस मैच के बाद से ही मानो उनका खराब समय शुरू भी हो गया था। इस मैच के बारे में विनोद कांबली ने कई बार टीवी पर बहुत से खुलासे करे, जैसे कि उनके अनुसार इस मैच से पहले टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, पर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आखिरी समय पर गेंदबाजी का फैसला लिया, और इसमें कांबली को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया था। कांबली ने उस समय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मैच फिक्सिंग जैसे बड़े आरोप भी लगाए थे, पर इस बात को वो कभी साबित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका टीम में वापस आना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांबली को बहुत जल्द शराब के नशे की भी आदत लग गई थी, जिसकी वजह से वो अपने फिटनेस का ख्याल भी नहीं रख पाते थे, और इस समय तक आते आते उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलना भी बहुत कम कर दिया था, और शायद यही कारण था कि जिस फॉर्म की उन्हें जरूरत थी उनकी वो फॉर्म कभी वापस नहीं आ सकी। और जब कभी उन्हें भारतीय टीम में वापसी करने का मौका मिला तब वो उस मौके का फायदा नहीं उठा सके। इसके अलावा भी कांबली और टीम के सदस्यों के बीच कुछ खास नहीं बनती थी, और कई बार वो फील्ड पर ही एम्पायर पर गुस्सा भी करने लग जाते थे। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी कांबली के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरी रही। उनकी पहली पत्नी नोएला लेविस थी, पर इनसे इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी, और इन दोनों का बहुत जल्द तलाक हो गया, जिसके बाद कांबली ने फैशन मॉडल एंड्रिया हैविस से शादी की। फिर कांबली ने अपना लक क्रिकेट के अलावा बॉलीवुड और राजनीति में भी आजमाया, पर वहां भी उन्हें कुछ खास उपलब्धि नहीं मिल सकी। इसके अलावा विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती की बात करी जाए तो 16 नवंबर 2013 का दिन भला कौन सा क्रिकेट प्रेमी भूल सकता है, जब सचिन ने अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान रिटायरमेंट स्पीच दी थी, तो उसमें सचिन ने सभी उनके साथी और परिवार वालों का नाम लिया था जिन्होंने उनकी उस सफर में मदद करी थी, पर उस स्पीच में कहीं भी
सचिन ने विनोद कांबली का नाम नहीं लिया, जिसके बाद से कांबली और सचिन के बीच की दोस्ती पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आई। यहां तक कि विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर पर भी कई बार आरोप लगाए कि सचिन ने उनके मुश्किल समय में कभी भी उनकी मदद नहीं करी, और इन सभी विवादों के चलते कांबली का एक सुनहरा क्रिकेट सफर समय से पहले ही खत्म हो गया और भारतीय टीम ने इस तरह अपने एक दिग्गज खिलाड़ी को खो दिया। दोस्तों, इसके अलावा आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।